और इन आलमंड मिल्क विद क्रीम. आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस. इट टेस्ट रियली नाइस. नो डाउट मेरी गलती है कि मैं जस्ट नॉट एबल टू ईट इट. नमस्ते, आप सबको देखिए बहुत ज्यादा खुशी हुई है. आज का वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. डिफरेंट क्या, मैंने आज तक ऐसा वीडियो बनाया ही नहीं है. सो बेसिकली आज हम हमारे मनपसंद यूट्यूबर का फेवरेट फूड टेस्ट करने वाले हैं. नाउ ये वाला वीडियो मैंने मानसी माओ के चैनल पे देखा है. आई थॉट इट वुड बी सुपर इंटरेस्टिंग टू डू दिस बिकॉज मुझे मेरे पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है दैट आई एम वेरी बेसिक विद माय फूड चॉइसेस. ना मैं किसी को कुछ सजेस्ट करती हूँ कि क्या खाना चाहिए, ना मैं खुद एक्सपेरिमेंट करती हूँ. सो फॉर एटलीस्ट अगर इस वीडियो बनाने के चक्कर में मैं कुछ अलग खा पाऊँ तो ये मेरे लिए एक पर्सनल गेन होगा. तो आई थॉट ओके आई एम गोइंग टू डू इट. नाउ जो भी यूट्यूबर्स आप इस वीडियो में देखोगे उनको मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है. लाइक दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है. मैंने मानसी माओ को जो वीडियो है उसमें से थोड़े यूट्यूबर्स का इन्फो निकाल के यूज़ किया है. एंड ऑफकोर्स इन्होंने इतने ब्लॉग्स डाले कि थोड़ा थोड़ा निकाल के आई गॉट सम इन्फो एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग टुडे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट लेट्स जस्ट स्टार्ट. वी हैव सारा सरोज. नाउ इन सारे यूट्यूबर्स में मुझे पर्सनली सारा बहुत अच्छी लगती है एंड बहुत अच्छी से आई वुड रादर से कि मैं उनका कॉन्टेंट बहुत ही ज्यादा देखती हूँ. एंड आई नो कि शी really likes food. I couldn't find कि exactly उनको कौन सा लगता है because वो बहुत ज़्यादा videos डालती है and वो हमेशा उनके vlogs में बताती है and it was just so hard to find exactly that here. But recently she went to food with her brother and वहाँ पे she had this sushi and she said really nice about it. So I thought I'll get it. अब इसमें सिर्फ चार pieces है and जैसे मैंने कहा ये 6:30 की है तो definitely expensive. But let's taste it. सुशी बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत जगह पे खाई भी है एंड आई डिडंट रियली लाइक द टेस्ट. मतलब इसमें कुछ टेस्ट है ही नहीं. दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ चटनीज लाइक डिप्स एंड ऑल ऑफ दैट टू ईट इट विद बट मे बी उसके वजह से वो थोड़ा टेस्टी लग जाएगा. आई डोंट नो हाउ टू यूज दिस. डेफिनेटली विद द सॉस उससे ज्यादा टेस्ट आ रहा है. वेल पेट पूजा इज डन एंड नाउ इज द टाइम फॉर फाइनल वर्डिक्ट. एंड आई जस्ट रियलाइज कि मेरे टिकली ऑफ थी. आई डोंट थिंक अभी भी वो सेंटर में है बट प्लीज इग्नोर दैट. सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डिश, वॉज इट नाइस? या विल आई बाई इट अगेन? नो. मुझे एज सच सुशी में कुछ ज्यादा फ्लेवरिंग नहीं लगी. इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द सॉस एंड द चटनी दैट मेड इट वेरी फ्लेवरफुल एंड वेरी टेस्टी. एज सच सुशी में कुछ टेस्ट नहीं था. एंड अगेन considering its cost and the quantity, मैं नहीं order करूंगी. And again, taste तो है नहीं तो definitely अगर ये सस्ती भी होती तो भी मैं order नहीं करती. Saying that, I also want to tell you that ये सारा सरोज की सबसे favorite dish नहीं है. या you know, because the day she went to foo was with her brother and उस दिन ना उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि उनको PCOS and PCOD का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो उनके न्यूट्रिशनिस्ट ने उनको बोला कि एक्स वाई चीजें नहीं खाए एंड नाउ शी टू रीडिस्कवर फू का मेन्यू अगेन कंसिडरिंग कि अब वो क्या खा सकती है. एंड ये वाली सुशी उन्होंने अपने भाई के लिए मंगाई थी. सो आई डोंट थिंक सो दिस इज लाइक हर मोस्ट गो टू ऑर्डर फॉर फ्रॉम फू. एंड एज ए मैंने कहा मैडम इतने अपलोड्स करते हैं जो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है बट आई जस्ट कुड नॉट. लाइक मैंने बहुत रिसर्च किया बट आई जस्ट कुडंट फिगर आउट. अगर आपको बताए प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट. एंड ओवरऑल आई विल गिव दिस एक्सपीरियंस एज अ 6. Yeah. Next up in the list is Aditi, Miss Quirky, and उन्होंने I guess मानसी के वीडियो में ही सजेस्ट किया था कि she really likes tiramisu. And वो कॉन्सेप्ट मुझे सही लगा कि you know ज्यादा चॉकलेट नहीं अच्छा लगता, थोड़ा कॉफी एंड आई रियली लाइक कॉफी एज अ टेस्ट. एंड मैंने tiramisu पहले कभी ट्राई नहीं किया था तो आई थॉट वाओ मजा आएगा. आई एम लुकिंग फॉर माई स्पून. या मजा आएगा एंड आई गॉट इट फ्रॉम थियोग्रोमा तो आई एम होपिंग कि अच्छा ही होगा. I like coffee desserts. I get it why anyone can like it. ये एकदम ऐसे in the face sweet नहीं है. पेट पूजा खत्म एंड रिव्यू का टाइम. नाउ आई थिंक एक बहुत क्लासिक चॉइस होगी किसी के लिए भी जिनको एकदम ऐसे इन द फेस स्वीट नहीं अच्छा लगता. समटाइम्स आई एम दैट वे कि मुझे एकदम ऐसे नहीं चाहिए होता एंड दैट्स वेन आई थिंक ये बहुत ही अच्छी डिश होगी. लाइक डार्क चॉकलेट जैसे यू नो थोड़ा उसमें कड़वटनेस होता है. सेम वे विद दिस. तो आई थिंक माई एक्सपीरियंस वॉज 9. आई थिंक आई विल गिव इट लाइक 8.5. या
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज जानवी तिवारी. यू कैन नॉट मिस हर चैनल अगर आप रेगुलरली यूट्यूब देखते हो. वीडियो में जो उन्होंने उनकी सिस्टर के साथ किया है, आई थिंक दे आर मेकिंग ईच अदर ईट देयर फेवरेट फूड. तो वहां पे शी सेड दैट शी रियली लाइक्स मलाई कोफ्ता. उनके मॉम ने भी गेस कर लिया कि उन्होंने वही ऑर्डर किया रहेगा. सो आई थिंक शी रियली लाइक्स इट एंड आई रियली वांट टू ट्राई बिकॉज एज अ नॉन वेजिटेरियन मैंने कभी ऐसे वेज में स्पेशलिटी डिशेज खाई नहीं. दिस इज डेफिनेटली स्पेशलिटी डिश. सो अच्छा तो लग रहा है. सॉर्ट ऑफ लुक्स क्रीमी एंड वो बोली भी थी कि ऐसे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी होता है. सो लेट्स ईट. ये बनता किससे है? बट पटैटो. डेफिनेटली टेस्ट पैलेट मेरे पसंद का है. वो इतना तीखा नहीं बिकॉज आई थिंक इसमें मलाई है. सो आई लाइक कि मुझे ना ज्यादा तीखी चीजें अच्छी नहीं लगती. सो आई लाइक समथिंग लाइक दिस. एंड मुझे क्रीमी चीजें भी अच्छी लगती है. सो दैट्स रियली नाइस. I'm not gonna lie, जब मैंने कोफ्ता ये वर्ड सुना तो मैंने मेरे दिल में ना एक अलग ही पिक्चर पेंट कर दिया. एंड आई थिंक उस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एलिमेंट्स थे, जैसे कि पनीर हो सकता है या पोमोग्रेनेट, यू नो, फॉर द सार टेस्ट. और आई डोंट नो, लाइक 4-5 थिंग्स टुगेदर. एंड नाउ टू कम टू इट कि इसमें सिर्फ पटैटो है. इट टेस्ट रियली नाइस. नो डाउट मेरी गलती है कि मैंने मलाई कोफ्ता को कुछ तो और अज्यूम कर लिया. ये इट टेस्ट लाइक पटैटो का सब्जी, नथिंग स्पेशल. बट या इफ नेक्स्ट टाइम आई हैव टू ईट वेजिटेरियन फूड, दिस वुड डेफिनेटली समथिंग दैट आई लाइक टू ईट. 8/10. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, विच मीन्स आपको अच्छा लग रहा है, तो बस एक जेन्युइन रिक्वेस्ट थी, प्लीज इस वीडियो के साथ एंगेज करो, लाइक करो और कमेंट करो. यूट्यूब बहुत देखता है इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड फिर ही वो हमारे वीडियोस और लोगों को शेयर करता है. नाउ आई नो इंस्टाग्राम पे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज लाइकिंग एंड कॉमेंटिंग इज वेरी इजी देयर. यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसेस है बट ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है एंड इट विल जस्ट मीन द वर्ल्ड टू मी. ऑफकोर्स इफ यू लाइक इट देन ओनली जस्ट अ रिमाइंडर, इट्स नॉट अ कंपल्शन. एंड हाँ, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो इन केस यू वॉचिंग इट, यू लाइकिंग इट, यू नॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दो, वो भी फ्री है. लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब, या गो सी द वीडियो नाउ. अगला पर्सन हमारे लिस्ट पे है शिवांगी शर्मा. एंड उन्होंने जो रेकमेंड किया है माऊ के वीडियो में, वो बहुत ज्यादा रेड फ्लैग है फॉर मी. इनफैक्ट माऊ तो रियली लाइक्स इट बिकॉज शी इज लाइक, वो रामेन बहुत खाती है, शी इज दैट स्पाइसी पर्सन. आई गेट इट, महाराष्ट्र होते हैं, निपण महाराष्ट्र होते हैं, बट मैं थोड़ा अलग फीस हूँ. मेरे घर पे इतनी स्पाइसी चीज़ें बनती हैं एंड आई हैव नेवर लाइक्ड इट. मेरा पैलेट है ही नहीं स्पाइसी, मुझे अच्छी नहीं लगती. तो या लेट्स गो एंड मेक दम नॉट रेडी फॉर दिस. मुझे नहीं होगा, आई होप आई डोंट क्राई. लेट्स डू इट. बाय द वे, मैं कम्प्लीटली भूल गई ये बताना कि मैंने आज तक रामेन कभी भी ट्राई नहीं की है. बहुत बेसिक पर्सन, यू नो, फूड में मैं इतनी एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ. घर पे मैगी है तो मैगी, वाई वाई इज समथिंग दैट आई ईट, ये पी इज समथिंग दैट वी ईट, बट उसके आगे ये तो नहीं. इट डज हैव अ वेरी एंटाइसिंग स्मेल. बहुत रेड है, मुझे फट रही है. बी गुड प्लीज, बी गुड. The more I eat, the more that tikhaness is kicking in. ये बहुत ही तीखा है, ये बहुत है. और नहीं, ये actually tasty है, but ये इतना तीखा है that I'm just not able to eat it. Well, खुद को थोड़ा काम करके, पानी वानी पी के, स्वीट वीट खा के, I'm back to tell you my review. Was it not tasty? Not at all. बहुत tasty था, but अगर आपको तीखा सहन नहीं होता है तो definitely do not get this one. मुझे तो अभी भी यहाँ पे ऐसे जल जलाहट फील हो रही है. Just not a तीखा person. Will I eat it again? नहीं. I think ये उनका spicy version है, इसीलिए I'm sure उनके पास medium normal versions भी होंगे. And अगर कभी मैं एक स्पेसिफिक प्लेस पे हूँ जहाँ पे there is no food and ramen ही है, तो I'll definitely eat it because definitely tasty है.
एज अ पर्सन मे बी मैं इसे कल के कल जाके आई वॉन्ट टू इट इट अगेन, बहुत टेस्टी, ऐसे नहीं होने वाला है. दैट इज नॉट हैपनिंग विद मी. आई विल रेट दिस वन स्पेसिफिकली, दिस वन 3/10 विद द तीखा पार्ट, बट ऑन टेस्ट 9/10. नेक्स्ट अप इन द लिस्ट इज हिमाद्री पटेल. नाउ उनका वीडियो मैंने मानसी के वीडियो में ही देखा था, एंड आई एम लाइक इनको तो आई रियली वांट टू मेक अ पार्ट ऑफ माय वीडियो आल्सो बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट आई हैव दैट फॉर वुमेन. तो आई वाज लाइक इस आई अगर उन्होंने कुछ भी खतरनाक दिया फिर भी मैं ट्राई करूंगी ही करूंगी, कितना भी आउट ऑफ द रीच हो तो भी मैं इसको ट्राई करूंगी. एंड व्हाट शी सजेस्टेड इज जस्ट अ स्टारबक्स हॉट चॉकलेट. तो आई एम लाइक अरे आई लव दिस वुमेन, व्हाट शी सजेस्टेड इज लाइक जस्ट घर के नीचे, तो वाई नॉट लेट जस्ट ट्राइड. नाउ व्हाट शी सजेस्टेड इज हॉट चॉकलेट विद आलमंड मिल्क एंड व्हिप क्रीम. मैंने स्टारबक्स का हॉट चॉकलेट पिया है, आलमंड मिल्क में मैंने आज तक मैंने आलमंड मिल्क ही नहीं पिया, तो आई थॉट व्हाई नॉट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू ट्राई इट. सो आज संडे है, मैं ऐसे ही काम के लिए वहां पे जा रही हूँ, सो कम ऑन लेट्स गो. And I also wanted whipped cream in my hot chocolate. Yeah, so hot chocolate in almond milk with whipped cream in it. This is the next day. I am so sorry. हमने कल shoot किया था, but वो file ही उड़ गई. So I'm just going to repeat now. कल का जो हॉट चॉकलेट था वो मुझे इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आई हैव हैड बेटर हॉट चॉकलेट्स. मतलब आई ड्रिंक हॉट चॉकलेट्स अ लॉट एंड मैं बहुत जगह पे पिए, तो ये वाला हॉट चॉकलेट मुझे इतना नहीं अच्छा लगा. इनफैक्ट मैंने स्टारबक्स में भी हॉट चॉकलेट पिया है, बट आलमंड मिल्क के साथ नहीं पिया था, एंड आई थिंक दैट वेंट रॉन्ग, और मे बी द व्हिप क्रीम, आई डोंट नो. बट वो जो हॉट चॉकलेट का चॉकलेटी टेस्ट था वो वहाँ पे मिसिंग था. तो इफ यू आस्क मी विल आई बाय इट अगेन hot chocolate from Starbucks, sure, but hot chocolates from Starbucks with almond milk and whipped cream, nah, not. And I think वो कुछ 350 या 370 हो गया, तो absolutely not. मैंने सबसे छोटा वाला लिया था, तो absolutely not. And my rating would be 4. अगर आपको ट्राई करना है जरूर ट्राई करो, बट वो जो अगर आपको इसे चॉकलेटीनेस नहीं आता है उसमें, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द आलमंड मिल्क. नेक्स्ट अब हमारे लिस्ट में मृदुल शर्मा, एंड अगेन आई हैड टू इंक्लूड हर. मुझे उनका एग्जैक्ट ऐसे नहीं मिला कि उनको बहुत क्या अच्छा लगता है, बट एक वीडियो में मैंने सॉर्ट ऑफ फिगर आउट किया कि एक्चुअली उन्होंने किसी और को बताने को बोला था, तो शी सेड शी वांट टू शी रियली लाइक्स हर ब्रेकफास्ट, एंड उनको ऐसे सनी साइड एग अब अच्छा लगता है, उसके साथ सम स्ट्रॉबेरीज, हैश ब्राउन एंड कॉफी. नाउ मुझे भी इफ यू फॉलो मी, अगर आपने मुझे शॉर्ट्स पे देखा है, तो मुझे भी एग इन द मॉर्निंग बहुत सही लगता है, एंड सनी साइड अप भी मुझे अच्छा लगता है. कॉफी ऑल्सो समथिंग दैट आई ड्रिंक, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. स्ट्रॉबेरी ऑल्सो समथिंग दैट आई लाइक एंड आई एम एक्साइटेड. जस्ट हैश ब्राउनी मैं नहीं, हैश ब्राउन्स मैं नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज तला हुआ मुझे सुबह सुबह तो खाने में इंटरेस्ट नहीं है. एंड आई फील बिकॉज आई वॉन्टेड टू इंक्लूड लाइक मृदुल इन दिस वीडियो, बिकॉज मृदुल इज समवन जिसको मैंने बहुत मतलब बहुत टाइम से देखा. आई थिंक हमारे लाइफ चॉइसेस बहुत सिमिलर, लाइक शी ऑल्सो लाइक्स आयुर्वेद, शी ऑल्सो लाइक्स टू टेक दिस फिटनेस चैलेंजेस, एंड अगेन ब्रेकफास्ट चॉइस भी हमारी इतनी सिमिलर है, तो चलो बनाते हैं. ये सिर्फ एक ही ऐसी चीज है जो मैं बनाने वाली हूँ. सो या आई थिंक अनदर रीजन वाई एम नॉट मेकिंग हैश ब्राउन इज वो सब तेल से वेल से करना. चलो बनाते हैं. माय ब्रेकफास्ट इज रेडी, एंड मैं क्या ही रेटिंग दूँ, मुझे एनी विच वेज ये ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है. मैं हमेशा सनी साइड अप पे थोड़ा चीज डाल के ब्रेड के साथ खाती हूँ, ब्राउन ब्रेड एंड स्ट्रॉबेरी, एनी विच वेज आई लाइक इट. आई हैव नेवर ट्राइड ऐसे इन द मॉर्निंग कॉफी स्ट्रॉबेरी एंड एग का कॉम्बिनेशन, बट आई थिंक आई एम गोना लाइक इट. वेल पेट पूजा इज डन, एंड इसको तो मैं डेफिनेटली 10/10 दे दूंगी. As I said, मैंने खुद ने बनाया है, एंड दिस इज माई कम्फर्ट फूड. मतलब ब्रेकफास्ट के लिए आई दिस इज माई कॉफी मग, मैं हमेशा इसमें से कॉफी पीती हूँ. सो 10/10. एंड बस इसी तरह हम आ गए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. इस वीडियो का शाउट आउट जाता है टू पूजा बेहरा. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड द सपोर्ट. आई कैन नॉट एक्सप्लेन वो कितना मीनिंगफुल है मेरे लिए. अगर आपको नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनना है तो कुछ नहीं करना है, बस नीचे कॉमेंट करना है, दैट इज इट. और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे. बाय बाय.